एक समय की बात है कि रानीपुर का जंगल खुश्क हो रहा था। उस जंगल की रौनक अब मान पड़ रही थी, क्योंकि वहां इस साल बिल्कुल भी बारिश ना हुई थी, जिसके कारण हर चीज मुरझा गई थी। उस जंगल में चार मित्र, मीनू चिड़िया, मिठू तोता, कालू कौवा और बोनी उल्लू रहते थे। वे सब एक साथ चिंतित बैठे बातें कर रहे थे। अरे मित्रों, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। मीनू बहन, पानी तो मुझे भी पीना है, लेकिन आखिर पानी कहाँ से मिलेगा? इस जंगल में हर चीज खुश्क हो गई है, कहीं पानी मौजूद नहीं। अरे मुझे तो लगता है हम सब प्यास से मर जाएंगे। ना जाने हमारे जंगल में बारिश क्यों नहीं हुई। उन चार मित्रों की तरह जंगल के सारे पशु पंछी बहुत चिंतित थे, क्योंकि पानी की कमी के साथ साथ खुश्क साली होने के कारण अब भोजन मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तमाम पंछियों का गुजारा सिर्फ जंगल में उगने वाले अनाज और फलों से होता था, लेकिन अब तमाम पेड़ खाली हो गए थे। बेचारे पंछी सारा दिन भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते थक जाते, लेकिन उनको खाने को कुछ ना मिलता। अरे मित्रों, मेरी तबीयत बहुत खराब है। भूख और प्यास के कारण मेरे जिस्म में बिल्कुल भी शक्ति नहीं रही। मुझे लगता है हम सब मरने वाले हैं। अरे मीनू बहन, मेरी हालत भी ऐसी ही है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें समस्या का मुकाबला करना होगा और इसका कोई उपाय जरूर निकालेंगे। अरे वो तो ठीक है मिठू भैया, लेकिन इसका क्या उपाय हो सकता है? अब हम पंछी बारिश तो नहीं कर सकते, ना ही भोजन उगा सकते हैं। आखिर हम उपाय निकालें तो कैसे निकालें? जब सारे पंछी आपस में बैठे बातें कर रहे थे, तो बोनी उल्लू चुप बैठा कुछ सोच रहा था। यूं लगता था वो किसी गहरी सोच में हो। अरे बोनी, तुम भी कुछ बोलो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मेरे प्यारे मित्रों, मैं भी इसी हाल में हूँ जिसमें तुम सब हो। प्यास के कारण मेरा गला भी खुश्क है, लेकिन यूँ चिंतित होने से कोई समस्या दूर नहीं हो सकती। इसका हल निकालना जरूरी है। अच्छा, तो तुम्हारे पास इस समस्या का क्या हल है? अगर आप मित्र मेरा साथ दो तो हम कोशिश कर सकते हैं, कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए। हाँ बोनी भैया, तुम ठीक कहते हो, कामयाबी मिलना बात की बात है, लेकिन हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। बताओ आपके पास क्या सुझाव है? हाँ बोनी भैया बोलो, हम सब आपका साथ देंगे। दोस्तों, आप सब तो जानते हो कि जंगल से बाहर गुफा के पास एक पुराना कुआं है। उसका पानी बहुत नीचे है, लेकिन ख़त्म तो नहीं हुआ। क्यों ना हम सब मिलके उसमें इतने कंकड़ डालें कि उसका पानी ऊपर आ जाए। उस पानी को हम पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी मदद से अनाज भी उगा सकते हैं। बोलो आप लोग क्या कहते हो? बोनी उल्लू का सुझाव सुनके तमाम पंछी खुश हो जाते हैं और उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग जाती है। उन सब में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती, लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए वे सब एक कोशिश करना चाहते हैं। बोनी उल्लू के सुझाव के मुताबिक वे सब जंगल में कंकर इकट्ठे करते हैं और उनको कुएं में डालना शुरू कर देते हैं। बहुत घंटों की मेहनत के बाद वे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं।
उन पंछियों के चेहरों पे खुशी की लहर दौड़ जाती है। सबसे पहले तमाम पंछी पेट भर के पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हम सब की मेहनत से हम इस मकसद में कामयाब हो गए हैं। अब हमें यहाँ से पानी बर्तन में भर के अपने अनाज पे डालना होगा, ताकि हमारे खाने के लिए अनाज भी उग जाए। तमाम पंछी बोनी उल्लू के सुझाव के मुताबिक कुएं से पानी के बर्तन भर के अपने अनाज पे डालते हैं, जिससे चंद दिन के अंदर अनाज और फल उगने लगते हैं। बहुत मेहनत और सबर के बाद आखिरकार वे सब कामयाब हो जाते हैं। तमाम पंछी बोनी उल्लू का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसके सुझाव ने उनका जीवन बचा लिया। इस तरह चंद दिन गुजर जाते हैं और फिर जोरों की बारिश भी आ जाती है, जिससे जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है और उन पंछियों का मुश्किल समय गुजर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मुश्किल समय में हार नहीं माननी चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। हिम्मत और समझदारी के कारण ही हम सब मुश्किलों का सामना कर सकते हैं।